पहुंच गए फिर से अगेन उसी लिफ्ट के पास। दोस्तों फिर से आ गए हैं उसी गाड़ी में। तो आज मुझे जाना है यार पंचकुला बैंक में, थोड़ा काम है, और साथ में फिर वहां से आगे जाएंगे हम नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, तो आपको दर्शन करवाते हैं। अभी गाड़ी का मीटर है 303, तकरीबन यहाँ से 20-25 किलोमीटर तो यार पड़ेगा ही, ठीक है, बाकी देखते हैं कितना है एग्जैक्ट। तो पहले हम गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करेंगे, पहाड़ों के बीच में है यार थोड़ा, मतलब यहाँ से जो पहाड़ है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो चलो बाकी बातें मैं वहाँ पे पार्किंग में पहुँच के करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब तक आप ये थोड़ा वीडियो एंजॉय कर लो यहाँ का। पंचकुला हरियाणा में ये गुरुद्वारा साहिब है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है, स्टेट जो है हरियाणा है, और ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं पार्किंग में, अभी गाड़ी पार्क करने के बाद फिर आपसे बातें करते हैं दो चार, और उसके बाद अंदर जाके गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाते हैं, और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब का इतिहास भी कुछ शॉर्ट शब्दों में मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। जैसी पार्किंग है गुरुद्वारा साहिब की, आप पीछे देख सकते हैं गुरुद्वारा साहिब है, धूप काफी है इधर से बिल्कुल ना फ्रंट से पड़ रही है। दोस्तों गुरुद्वारा साहिब का जो इतिहास है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पंजाबी में, मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा फिर, ठीक है भाई, जिसको पंजाबी समझ आती है वो पढ़ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा इतिहास हिंदी में लिख दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नया दीवान हाल है, जहाँ पे मतलब कथा वगैरह के लिए नया बनाया गया, अभी स्टेज वगैरह वो बन रही है, और अब मेरे पीछे एक देख सकते हैं, ये पीछे आपको दिख रहा होगा फ्री डिस्पेंसरी है,
यहाँ पे, जो कि फ्री दवाइयाँ जो मतलब नहीं ले सकते भाई वो यहाँ से दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। पीछे जो गुरु गोविंद सिंह जी निवास आपको वो पीछे दिख रहा होगा, बड़ी बिल्डिंग जो है और भी है, वो लंबी है काफ़ी वहाँ तक। तो वहाँ पे मतलब जैसे जो यात्री वगैरह आते हैं दूर से या कोई भी, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं, फ्री होता है हॉल वगैरह, रूम के थोड़े बहुत चार्ज होते हैं, बिल्कुल ही मतलब लिटल बिट। और लंगर यहाँ पे जो है वो 24 घंटे ही मान के चलो कि अगर रात को भी कोई आता है तो रात को भी लंगर का जो प्रबंध है वो रहता ही रहता है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा कहीं भी आपको मिलेगा वहाँ पे लंगर का प्रबंध हमेशा जो है वो रहेगा। तो चलिए, अंदर से आपने सारे दर्शन किए, इतिहास मैंने आपको बता दिया हिंदी में ट्रांसलेट करके, और अब हम चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। पार्किंग बहुत बड़ी है गुरुद्वारा साहिब की तो, और ये जो दुकानें मैंने आपको दिखाई अभी पीछे, ये सारी दुकानें हैं, वो बच्चों के खिलौने वगैरह वो जो है ले सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ या पंचकुला या कभी भी आते हैं तो इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन जरूर करिए, बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर।